हेलो हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो भई आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और भई आज मेरी थोड़ी सी नींद कम आई है क्योंकि हमारे एसी ने कूलिंग नहीं की। गर्मी का मौसम है, बगैर एसी के अब नींद नहीं आती, आदत हो गई है। तो भई हमने कर दिया है एसी वाले को फ़ोन सर्विस के लिए, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस ही नहीं हो रही एसी की। जब गर्मी शुरू हुई थी तब हमने सर्विस करवाई थी, तो अब दोबारा सर्विस मांग रहा है शायद एसी, तो इसलिए हमने फ़ोन कर दिया है। एसी वाले ने टाइमिंग दिया है हमें कि भाई 10 बजे के आसपास मैं आ जाऊँगा। तो गर्मी देखो बहुत ज़्यादा हो रही है और बाल भी नहीं सुहा रहे, तो इसलिए बगैर एसी के काम नहीं चलता है हमारा। और एसी की सर्विस कैसे होगी वो आप लोग में देख लेना, पसीने आ रहे हैं। ऊपर देखो फैन चल रहा है, फिर भी मेरे को ना गर्मी लग रही है, फैन की आवाज़ नहीं लग रही इतनी खास। तो गर्मी तो है ही, बारिश हुई थी जब कई दिनों तक, तब तो नहीं थी। तब तो हम ये सोच रहे थे एसी बंद हो जाएगा, परंतु अब 2-3 दिन से दोबारा से गर्मी हो गई है। सुबह शाम की तो वैसे ठंड हो रही है, पर दिन में गर्मी लगती है। तो ये एसी हमारा भाई कूलिंग नहीं कर रहा था, तो एसी इतनी कूलिंग नहीं कर रहा है। देखो भाई मैंने ये एसी चला रखा है, तो अब देखो वो किस टाइम तक आ जाएगा। आने के बाद सर्विस करवाते हैं। और गर्मी के मौसम में देखो बगैर एसी के नहीं रह आ जाता, जिसको आदत पड़ जाती है फिर तो नहीं। अब वैसे मौसम तो ठीक है पर गर्मी तो लगती ही है। तो पीछे ऊपर देखो भैया, अभी यहाँ भी रूम में एसी चल रहा है, क्यों पंखा चल रहा है, एसी इतना काम नहीं कर रहा, फिर भी चलो चला के रखते हैं। कूलिंग कमी होती है, इतनी खास कूलिंग नहीं होती, तो इसलिए हमने है ना, अब मैं कर लेती हूँ कुछ काम तब तक, क्योंकि तब तक एसी वाला आएगा तब तक कुछ ना कुछ तो काम घर का ज़रूरी करना ही है। तो गर्मी में वैसे भी नींद कम ही आती है। और अब टाइम होने वाला है 10, क्योंकि 8 बजे हमने फ़ोन कर दिया था एसी वाले को। तो तब तक मैंने बीच में अपना खाना वगैरह बना लिया है, खा लिया है, तो अब बस सर्विस वाले भैया के इंतज़ार में है। तो भई ये देखो सर्विस वाले भैया आ गए थे, उन्होंने अपना जो मशीन ली हुई है उसी से कर रहे हैं ये सर्विस। और ये कपड़ा सा क्या लगाया हुआ कवर पानी का, जिससे कि पानी नीचे ना गिरे। और बेड से चादर वगैरह मैंने हटाई दी थी, तो ये पानी के प्रेशर से सफाई कर रहे हैं इसकी, जो कि करते हैं। इनको अपना आइडिया होता है कैसे करनी होती है, कैसे नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं तो देख रही थी खड़ी होके कि इन्होंने कैसे की है कैसे नहीं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कौन सर्विस करवाता, कौन खुद घर में कर लेता। भाई हमसे तो होती नहीं, हमें करवानी पड़ती है साल में 2 बार, तो इसलिए ये बुलाया हुआ है भैया, ये अपने आप कर जाएगा इसकी सर्विस, ऊपर नीचे सारे पंखे की, और ये नीचे भी आउटडोर की।
तो भाई फाइनल आज हमारे एसी की होगी है सर्विस, तो आज हम सोएंगे एसी में चलाकर ना, क्योंकि एसी वाले भैया चले गए हैं सर्विस करके। तो भाई जिसने भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और भाई आप अपने एसी की सर्विस कराते रहा करो। हमने एक बार तो पहले करवा ली थी, एक बार अब करवाई है, क्योंकि धूल मिट्टी भर जाती है गर्मी के मौसम में एसी में। तो भाई पूरा व्लॉग देखा करो, स्पीकर का मत देखा करो, विद दैट के साथ देखा करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर जी।